नमस्कार दोस्तों, जनपद सोनभद्र इस समय उपस्थित हूँ डाला पीपर, एक ग्राम सभा है और उसी का मेरा गांव पड़ता है बहेरा डोल। ग्रामीण अंचल में के लोग जो होते हैं उनके पास इतना आर्थिक स्थिति सही नहीं होती कि जो उन्हीं वस्त्रों को खरीद सकें। जाड़े से लोग परेशान हो जाते हैं, तो ऐसी ही संस्थाएं आकर के इन लोगों का सहयोग करती हैं। डाला पीपर बहेरा डोल के प्रधान जी भी हैं, मैं उनसे भी यहाँ की जो भौगोलिक स्थिति है उसके बारे में मैं जानकारी करूँगा। आप अपना परिचय दीजिए। हमारा नाम अंतुराम है जी। हमारा पत्नी श्रीमती देवलतिया देवी जी। मतलब आप प्रतिनिधि हैं जी। जी, कितना क्षेत्रफल होगा आपकी ग्राम सभा का? हमारे ग्राम सभा के क्षेत्रफल लगभग 1800 है। 1800 जी। क्या योजनाएं आती हैं सरकार की तरफ से, कितना विकास हुआ है आपके क्षेत्र में, कुछ थोड़ा बताएं। देखिए, अभी तक तो हम तो इस बार ही प्रधान है जी। ये जैसे ग्राम सभा में जो काम आता है, नरेगा मनरेगा जी, पक्की वर्क, क्योंकि छोटा गांव है जी, उतना आता नहीं है बजट जी। जैसे पक्की हो गया, पुल हो गया या सीसी रोड, इस तरीके काम आते हैं। 100 मीटर, 150, 200 मीटर जी, वो पैसा के हिसाब से हम लोग लेते हैं। वस्त्र वितरण जो होता है ग्रामीण अंचलों में, संस्था का भी नाम बतावें और इसके बारे में भी बतावें। साथियों, बड़े खुशी की बात है कि हमारी परोपकार सेवा समर्पण समिति अपने वचन के प्रति कर्तव्यबद्ध है जी। और हम गांव-गांव जाकर के जो आर्थिक रूप से बहुत ही कमजोर लोग हैं उनको कंबल वितरण करते हैं। इससे बहुत ही आंतरिक अनुभूति, सुखद अनुभूति की प्राप्ति होती है जी। और दूसरा चीज ये है कि जिन लोगों के पास इस कड़कड़ाती ठंड में कोई ठंड भगाने का उपाय नहीं है, उनको कंबल हम देते रहते हैं। अतः आप लोग से अनुरोध है कि हमारी संस्था के प्रति आप लोग भी जागरूक होइए, अधिक से अधिक संख्या में जुड़ें ताकि हम अधिक से अधिक गरीबों की सेवा कर सकें और उनके मनोबल को बढ़ाएं। हमारे साथ बहुत सारे लोग इस समय बहेरा डोल में आए हुए हैं, वो गरीबों के प्रति इतने उदारवादी हैं और उनके अंदर ये भावना जगी है। मैं सबका शुक्रिया अदा करता हूँ कि हमारे साथ आए और कंबल वितरण चाहेंगे। परोपकार सेवा समर्पण के बारे में, परोपकार सेवा समर्पण समिति जैसा इनका नाम है वैसा काम है जी। ये वास्तव में ग्रामीण अंचल और खास करके पिछड़े पर्वतीय क्षेत्रों में जो अति पिछड़े लोग हैं उन तक पहुंच के उनके जरूरत को समझ करके और उनके जरूरत उनके उपयोगी चीज़ों को मैंने पूरा करने के लिए मदद करते रहते हैं जी। और खास करके इस समर्पण समिति में ये खुद तो कर ही रहे हैं, लोगों को भी प्रेरित करते हैं कि ऐसे कार्यों में जुड़ने के लिए उसी से प्रेरित होकर के हम लोग भी आए और इस जनजातीय क्षेत्रों में आकर के, चूंकि ठंडी का मौसम है और इस समय जो है गर्म कपड़ों की आवश्यकता है, तो इन्होंने इस आवश्यकता को पहचानते हुए और इस काम में हम लोगों को भागीदार समझे, हम लोग भी इनसे जुड़ करके आए हैं। तो वास्तव में बड़ा अच्छा अनुभूत हो रहा है जी। मैं नाम हमारा देवेंद्र श्रीवास्तव, मैं श्रीराम फाइनेंस में रीजनल कलेक्शन हेड हूँ जी। क्या कहना चाहेंगे सर, कैसा लगता है जब लोगों को कंबल वितरण किया जाता है, वास्तव में जो इसके पात्र हैं उन तक अगर ये सामग्री पहुंचती है, बहुत ही सुख की अनुभूति होती है। सबसे पहले तो मैं कार्यक्रम के परोपकार सेवा समिति के जो मुखिया हैं जी, उनको मैं बहुत धन्यवाद दूंगा, साधुवाद दूंगा, जिन्होंने एक ऐसी अच्छी सोच के साथ ये काम को बढ़ाया है जी। ये सौभाग्य मेरा है कि मैं इनके साथ आज जुड़ के अपने को भी गौरवशाली महसूस करता हूँ जी। और सभी लोगों ने इस कंबल वितरण में अपना सहयोग भी दिया है, अपना कीमती समय निकाल करके इस समय आए हुए हैं, क्या कहना चाहेंगे आप? जैसा कि ये परोपकार सेवा समर्पण समिति है, एक बहुत ही अच्छा और बहुत ही बढ़िया कार्य ये कर रही है जी। हमारे गरीब लोगों में ये कपड़ों का वितरण, कंबल ये सब का वितरण, उनकी जरूरतमंद चीजों को पहुंचा रही है जी। इसके लिए मैं बहुत ही, मुझे तो बहुत ही अच्छा लगा और सबको भी अच्छा लगता है जी। और इस तरीके के कार्य लोगों को करने भी चाहिए जी। आप अपना नाम बताओ। भरत मिश्रा हूँ मैं जी। देखिये, भरत मिश्रा जी अनपरा से चल करके आए हैं ऐसे पुनीत कार्य में सहयोग करने के लिए। यहाँ पर बनारस से चल करके आए हैं अमन सिंह, मैं इनके भी विचार लेता हूं, आप अपना परिचय दीजिए। मेरा नाम अमन सिंह है, मैं भी बनारस से आया हूं, श्रीराम फाइनेंस से, ऑडिट टीम से जी। आज मुझे बहुत अच्छा लग रहा है ये परोपकार सेवा समर्पण समिति में आके जी, जहां कंबल वितरण का समारोह चल रहा है और मुझे इसे बहुत प्रेरणा मिली है और मैं भी ये काम आगे चल के जो भी जरूरतमंद होंगे, जो भी मैं सहयोग कर सकता हूँ वो मैं करूँगा। और ये सेवा परोपकार सेवा समर्पण समिति का भी हर जगह बताऊँगा कि ये ऐसी एनजीओ चलाएं और सबकी मदद करें जी। धन्यवाद।
स्वप्निल भी आए हैं बनारस से, मैं इनकी भी विचारधारा लेता हूं, क्या कहना चाहेंगे परोपकार सेवा समर्पण का जो एक अति पुनीत कार्य है लोगों को कम्बल वितरण करना। ठंडक में जब लगती है तो भगवान ही याद आते हैं। नहीं, ये परोपकार सेवा समिति बहुत ही अच्छा कार्य कर रही है जी। जैसे ये यहाँ के गरीब लोग को इस बड़ा वितरण करते हैं, आज कंबल वितरण कर रहे हैं, ऐसे ही कई लोग को आगे आना पड़ेगा। ये कभी सौभाग्य है कि इनके साथ जुड़ के काम कर रहे हैं जी। तो मुझे यादव जी के लिए बहुत शुभकामनाएं कि वो ऐसे ही लगे रहें और परोपकार सेवा समिति आगे बढ़ती रहे। धन्यवाद। और यहाँ पर बनारस से हमारे जो मुख्य अतिथि आए हैं, परोपकार सेवा समर्पण का जो ये पुनीत कार्य चल रहा है, कमल वितरण का है, क्या कहना चाहेंगे? बिल्कुल, ये परोपकार सेवा समर्पण समिति यादव जी बहुत नेक काम कर रहे हैं। इस ठंड में गरीब, जहाँ गरीब बेसहारा लोगों को जरूरत है वहाँ पे पहुँच के, बाकी लोग क्या देखते हैं शहरों में चौराहों पे बड़ा बड़ा होल्डिंग बैनर लगा के फोटो खिंचाई वीडियो बनाया और अपना जो उनका प्रचार था वो हो रहा है। जहाँ जरूरत है वहाँ हम लोग नहीं पहुँच पा रहे हैं। तो यादव जी को बहुत बहुत धन्यवाद कि ऐसा अवसर हम लोग भी मिलता है इनके साथ दोबारा तिबारा आज मौका मिला है और ये ऐसे ही करते रहे। ईश्वर इनको ऐसा सक्षम बनाए कि ये और आगे लोगों की सेवा करते रहे। धन्यवाद। सभी लोगों ने इस सहभागिता निभाई है इस कंबल वितरण में। बहुत ही अच्छा लगता है जब दूर दूर से बनारस जैसे शहर से लोग आते हैं। क्या कहना चाहेंगे सर? हम ये कहना चाहेंगे कि जो ये समिति है जी, हम लोग को जमीनी स्तर पे ले जाती है जी। अब हम अपने रेणुकूट से कम 40 किलोमीटर दूर अंदर आए हैं जी। और जगह क्या है कि बाहर वो सब भीड़ जुटाए कर लिए, हम लोग एक्चुअल पहुंच रहे हैं कि किसको दिक्कत है जी, जी। हम तो कई बार आए भी हैं, जुड़े भी हैं। इस समिति बहुत अच्छा काम कर रही है। अब इसमें ये है कि जितना हम लोगों से थोड़ा बहुत सहयोग हो पाएगा और जो सहयोग मिल रहा है, बाकी अंकल जी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं जी। हम लोग हमेशा जहां बोलते हैं तैयार रहते हैं, चलिए चलेंगे। इसको जो जरूरतमंद है जितना हो पाएगा उतना किया जा रहा है। कोशिश कीजिए ज्यादा से ज्यादा लोग जुड़े और ज्यादा सहयोग करें तो एक्चुअल में सबको मिलता रहे जी। बस यही कहना चाहता हूँ, जुड़े रहेंगे और काम जो रहेगा करते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। हो जाए, हम लोग भी खड़े हो जाए। आइए सर, एक गरम भी रहता है। सही बात है। श्याम सर आइए। अरे बढ़ा दो भाई, बड़ी तेज कार है। ठीक है भाई, इसको करवाइए, कोई दिक्कत है तो बताइए, मैं बात कर। भी लोगों ने प्रसन्नता व्यक्त की है और ऐसे ही जो संस्थाएं हैं लोगों की मदद करें, सभी लोगों के लिए मंगल कामना। मैं संजय श्रीवास्तव, नमस्कार।